इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का एक कमाल का ट्रिक। तो चलिए देखते हैं क्या है। आपको सबसे पहले 3 डिजिट का एक नंबर लेना है। जैसे हमने ले लिया 521, 3 डिजिट का होना चाहिए। जैसे 5 2 1, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया 1 1 2, तो इसमें 1 1 2 बार आ गया, तो ऐसा नंबर हमको नहीं चाहिए। हमें कैसा नंबर चाहिए जो रिपीट ना हो। 5 2 1, ऐसे कर लीजिए। इसके बाद इसका उल्टा लिख दीजिए। जैसे ये 5 2 1 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 5 उल्टा। ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। जैसे 2 5 2 1 लिखा है, इसका उल्टा क्या होगा? 1 2 5। इसको घटा दीजिए। घटाएंगे तो क्या लेगा? 11 11 में से 5 घटाएंगे तो 6। यहाँ बच गया 1 1, इससे उधार लेगा तो 11 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। यहाँ बचा 4 4 में से 1 घटाएंगे तो 3। 300 कितना आ गया? 96। अब आप क्या करना है, केवल यूनिट डिजिट पूछना है। आप किसी से भी कहिए कि 3 नंबर के एक डिजिट सोचे, उस डिजिट का उल्टा करके उसमें से घटा दीजिए, फिर जो आंसर आया है उसका यूनिट डिजिट वो बता दे। देखिए, हमेशा दिमाग में रखिएगा, बीच में 9 आएगा ही नहीं आएगा, हमेशा बीच में 9 आएगा। तो जो यूनिट डिजिट वो व्यक्ति बताएगा, उसका और ये बीच 9 का अंतर ही यहाँ पे लिखा जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 396 आ जाएगा। आप बता सकते हैं किसी को भी। अगला देखिए, मान लीजिए हमने ले लिया 562, ठीक। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 265 होगा, क्योंकि 562 लिख रहे हैं तो उल्टा क्या लिखेंगे? 265 लिखेंगे। तो 265 करके हमने क्या किया? घटा दिया। घटाएंगे तो ये 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, और यहाँ बचा 5। उधार लेगा यहाँ से 15, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और यहाँ बचा 4 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब आपको क्या करना है, उससे पूछना है एग्जैक्ट नंबर। आपको पता है बीच में 9 आएगा ही आएगा, वो इकाई का अंक बताएगा कितना आया है? 7। तो 9 में से 7 घटा दीजिए, आ गया 2, 2 यहाँ लिख दीजिए। बाकी वो 7 तो बता ही रहा है कि इकाई का अंक क्या है। भाई इकाई का अंक तो बता रहा है कितना है, तो 7 होगा ही। और आपको पता है दूसरा नंबर क्या होगा? 9 होगा। तो इन दोनों का अंतर, 9 और 7 का अंतर क्या है? 2। यहाँ 297। आप एग्जैक्ट ऐसे बता के किसी को भी चौंका सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा, टफ भी नहीं है। चलिए एक दो और देख लेते हैं इस पे। जैसे हमने ले लिया 872, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 278 होगा। घटा देंगे, ये 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ बचा 6। तो 16 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 7 में से 2 घटाएंगे 5, 594 आया। अब आप उससे पूछेंगे क्या यूनिट डिजिट कितना है, वो बताएगा 4। तुरंत 4 आप रख लीजिए, आपको पता है बीच में 9 होगा, इनका अंतर क्या होगा? 9 4 का 5। तो 594 आपका आंसर होगा, कि जो उसने निकाला है वो आंसर ही। आप बता के किसी को भी चौंका सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।